हेलो मयूरी फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं बना रही हूँ बैंगन आलू का भरता, जिसके लिए 1 किलो मैंने बैंगन लिए हैं और उसमें 5 से 6 मोटे मोटे आलू को काट के उसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारे बैंगन हो गए हैं और आलू हो गए हैं। और वेजीज के अंदर मैंने 3 टमाटर लिए हैं जिन्हें काट लिया है, और 5 से 6 हरी मिर्ची ली है, और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। तो तेल मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है 2 चम्मच एक पैन में। उसमें 3 प्याज मैंने काट के डाल दी है। अब जब तक इसे फ्राई करना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ये सारे मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 चम्मच नमक लिया है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। सारे मसाले जो प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी उसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब जो 1 किलो मैंने बैंगन धो के रखे थे काट के, वो इसमें डाल दिए हैं, और 5 से 6 आलू वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। बस अच्छी तरह से चलाना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो बैंगन के साथ खूब अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह से खूब बढ़िया तरीके से चलाना है और जितना भी होगा सब डाल देना है। बस इसको अब रख देना है कम से कम 15 मिनट ढककर, जिससे ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। बीच बीच में चला चला के देखते रहना है। बस इसमें हरा धनिया डालना है, हरी मिर्ची डालनी है और इसको गर्मा गर्म सर्व करना है पराठों के साथ, पूरियों के साथ। बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।